नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा यशपाल रचित उपन्यास दिव्या के कथानक के कुछ अंशों को और अब तक देखा कि किस प्रकार कथा मद्र गणराज्य से जुड़ी हुई है, जिसकी राजधानी सागल नगरी है और वहां मल्लिका की शिष्या दिव्या, आचार्य देव शर्मा की प्रपौत्री दिव्या, महाधर्मस्थ आचार्य देव शर्मा की प्रपौत्री दिव्या पृथुसेन से प्रेम करती है और अनब्याहता मां बनती है, अर्थात गर्भवती होकर बिन ब्याह के लोकापवाद का विषय बनती है। समाज में उसके लिए मुंह दिखाना मुश्किल है, अपने घर में भी अब उसे आश्रय नहीं है। और इधर पृथुसेन शीरो और पिता प्रेस्थ के षड्यंत्र से दिव्या से मिल नहीं पाता, या यूं कहें कि वह भी महत्वाकांक्षा का शिकार हो जाता है। ऐसे में दिव्या घर छोड़कर भागती है और दास व्यवसायियों के हाथ उनके चंगुल में फंस जाती है। प्रतुल जैसा दास व्यवसायी भूधर को उसे बेचता है 20 स्वर्ण मुद्राओं में और भूधर नामक दास व्यवसायी दिव्या को दासी दारा के नाम से चक्रधर पुरोहित को 50 स्वर्ण मुद्राओं में मथुरा में बेच देता है। हमने देखा कि किस प्रकार चक्रधर पुरोहित की आवश्यकता थी। पुरोहित पत्नी ने अभी अभी एक शिशु को जन्म दिया, किंतु प्रसव पीड़ा के दौरान विषम ज्वर बुखार आने के कारण उसके अस्तनों में दूध नहीं उतर पाता। दिव्या से दासी दारा बनी इस युवती को लगता है, अर्थात दिव्या यह समझती है कि पुरोहित के यहां वह दासी बनकर न केवल अपने पुत्र शाकुल की रक्षा कर पाएगी बल्कि पुरोहित के शिशु की भी रक्षा कर पाएगी। वह अपनी ममता को दो शिशुओं पर लुटा पाएगी, परंतु क्रूर नियति को यह मंजूर नहीं। हमने देखा पिछले वीडियो में किस प्रकार पुरोहित पत्नी निष्ठुरता के साथ अपने शिशु को स्तन्य कराने के लिए दिव्या पर दारा पर जोर डालती है और दिव्या या दारा का शिशु भूखा रह जाता है। क्षुधा के कारण वह चित्कार मारकर रोने लगता। दोस्तों, अपने शिशु शाकुल की रक्षा के लिए दिव्या चल पड़ती है बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए। उसे लगता है कि करुणा, दया, ममता और शरण का आश्रय बौद्ध संघ है, इसलिए मथुरा में बौद्ध संघाराम के दरवाजे को वह खटखटाती है, परंतु उसे सिर्फ यह उत्तर मिलता है कि वेश्या स्वतंत्र नारी है किंतु कुलवधु स्वतंत्र नहीं। वह विश्या बनने को तत्पर है। एक मां, उसकी ममता इस कदर विह्वल और मजबूर होती है कि अपने शिशु के लिए वह कुछ भी करने को तत्पर हो जाए। दिव्या या दासी दारा चल पड़ती है वेश्याओं के स्थान की ओर, उनके महलों की ओर। रास्ते में मारिस मिलता है, उसे फटकारता है कि माता का सम्मानित पद पाकर तू वेश्या बनकर माता के पद को कलंकित करना चाहती है। अरे हतभागी, जा यमुना की शीतल धारा में शरण ले। अभी वह वेश्याओं के मार्ग की ओर बढ़ ही रही होती है कि पीछे से चक्रधर पुरोहित दौड़ा चला आता है। दासी की खोज करते करते वह चिल्लाता है कि देखो, भगोड़ी दासी भागी जा रही है, विश्वासघातिनी भागी जा रही। तीन ओर से मार्ग बंद है, पीछे चक्रधर पुरोहित है और दो ओर से कोई रास्ता नहीं, आगे सिर्फ रास्ता है तो वह उफनती हुई यमुना की धारा है। दिव्या को लगता है कि शिशु की जान तो ऐसे भी जाएगी। वह समझ नहीं पाती है, उसके आगे अन्य विकल्प खत्म है, एकमात्र विकल्प है। उसे लगता है कि जीवन को यमुना के शरण में न्योछावर कर देना ही बेहतर होगा। शिशु के साथ
यमुना की उफनती धारा में वह छलांग लगा लेती है। जैसे ही वह छलांग लगाती है, रत्न प्रभा के द्वारा देख ली जाती है। यह वही रत्न प्रभा है जो सागल की मल्लिका, सागल की जनपद कल्याणी मल्लिका है, उसी की शिष्या रत्न प्रभा है और दिव्या भी उसी की शिष्या है। उसी से गीत और नृत्य की शिक्षा पाकर के दिव्या सरस्वती पुत्री का सम्मान पाती है। रत्न प्रभा के द्वारा दिव्या तो बचा ली जाती है, परंतु उसका पुत्र शाकुल नहीं बचाया जा सका। निष्प्राण शिशु, प्राण रहित शिशु के विषय में जैसे दिव्या को पता चलता है, पुक्के फाड़ कर रो पड़ती है। इधर चक्रधर पुरोहित यह दावा करता है कि इस दासी पर मेरा अधिकार है, और उसी समय मथुरा के कोतवाल रवि शर्मा की सवारी उधर से गुजर रही होती है। न्याय प्रिय होने के कारण रवि शर्मा दासी दारा या दिव्या को रत्न प्रभा के हवाले करते हैं और चक्रधर पुरोहित पर 200 स्वर्ण मुद्राओं का दंड लगाते हैं। रत्न प्रभा एक दासी के रूप में दारा को पाकर अपने स्थान पहुंचती, अपने समाज में पहुंचती। उसके समाज में आप समझ सकते हैं कि उस समय वेश्याओं का किस कदर, कितनी आदर थी उन्हें। समाज में सम्मान था, संभ्रांत परिवार के बच्चे वहां पढ़ने जाते थे, गीत नृत्य की शिक्षा लेने जाते थे। मथुरा के समाज में यानी रत्न प्रभा के समाज में कई युवतियां हैं जो गीत और नृत्य सीख रही होती हैं, और ऐसे में दासी दारा उनकी सेवा करती है, उन्हें जलपान वगैरह के लिए पूछती है, उनकी परिचारिका बनकर रहती है। ऐसे में एक नृत्यांगना जब नृत्य करती है तो नृत्य की भंगिमाओं में त्रुटि नजर आती है दारा को और चीख पड़ती है, आह भंगिमा का क्या हुआ, आह भंग। रत्न प्रभा चौंक जाती है कि इसे नृत्य की भंगिमाओं की कैसे जानकारी। रत्न प्रभा के कहने पर जब दासी दारा या दिव्या नृत्य करती है, नाचती है, तो नृत्य की सभी पराकाष्ठाओं को लांघ जाती है। एक तो खूबसूरत, उसमें सौंदर्य और लावण्य का बोझ, ऊपर से नृत्यांगना के रूप में दासी दारा अब अंशुमाला के रूप में प्रतिष्ठित होती है, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। दोस्तों, मथुरा में भी एक वार्षिक उत्सव आयोजित होता है जिसे दोल महोत्सव नाम दिया गया है। इस दोल महोत्सव में कई गणमान्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। इन्हीं अतिथियों में सागल की मद्र गणराज्य की जनपद कल्याणी मल्लिका भी आमंत्रित है, क्योंकि वह गुरु है रत्न प्रभा के लिए। जब वह देखती है वहां दिव्या को तो पहचान जाती है, मेरी वत्से दिव्या, मेरी पुत्री दिव्या। वह जान जाती है कि यह महाधर्मस्थ आचार्य देव शर्मा की प्रपौत्री है। लौटते समय वह अपनी शिष्या रत्न प्रभा से गुरु दक्षिणा के रूप में दिव्या को मांगती है। यह समझ सकते हैं आप कि सागल की जनपद कल्याणी, मद्र की जनपद कल्याणी मल्लिका अब धीरे धीरे वार्धक्य को प्राप्त हो रही है, बूढ़ी हो रही है, इसीलिए वह अपने स्थान पर एक नई जनपद कल्याणी की नियुक्ति करना चाहती है। इधर दोस्तों, सागल गणराज्य में भी, मद्र गणराज्य में भी परिस्थितियां बदल गई हैं। रुद्रधीर पाटलिपुत्र से वर्णाश्रम की दीक्षा लेकर लौटता है और तख्ता पलट कर देता है। पृथुसेन डर के मारे भाग खड़ा होता है और मद्र गणराज्य की सभी शक्तियां रुद्रधीर के हाथों में केंद्रित हो जाती। जैसे सागल पहुंचती है मल्लिका दिव्या को लेकर, और सागल या मद्र गणराज्य की जनपद कल्याणी के रूप में दिव्या का तिलक करना चाहती है, मद्र गणराज्य में आर्य समाज के लोग, वर्णाश्रम धर्म के लोग इस बात से तिलमिला उठते हैं, मानो सबको सांप सूंघ गया। अरे, आचार्य देव शर्मा की प्रपौत्री दिव्या,
और तब वर्णाश्रम धर्म के लोग एक स्वर में कह उठते हैं कि कोई भी कुलीन कन्या, कोई भी आर्य कन्या वेश्या के पद पर बैठकर, वेश्या के आसन पर बैठकर वर्णाश्रम धर्म को कलंकित नहीं कर सकती। दिव्या रुद्रधीर से उनका निर्णय जानना चाहती है और रुद्रधीर कह उठते हैं कि वर्णाश्रम धर्म त्रिकाल के लिए सत्य है। वेदी से उतरकर दिव्या चल पड़ती है नगर के बाहर। वह समझ गई है कि इस मद्र गणराज्य में, इस सागल नगरी में ना तो उसे पहले स्थान प्राप्त था ना अब स्थान प्राप्त है। वह नगर को छोड़ करके चल पड़ती है सीमा को लांघती हुई नगर के बाहर। एक आश्रय स्थल पांथशाला धर्मशाला में ठहरती है। रुद्रधीर पहुंचता है सबसे पहले और वह कहता है कि मैं देवी को अपने भवन में कुलवधू का आसन देना चाहता हूं। और इस पर दिव्या कहती है कि कुलवधू का सम्मान वास्तव में उसे भोगने वाले पुरुष का सम्मान है। अर्थात दिव्या जान गई है कि सामंती समाज में, महलों में जहां बहुविवाह प्रथा रही है, वहां नारी का कोई सम्मान नहीं, कुलवधू का सम्मान तो उसके भोगने वाले पुरुष का सम्मान है। रुद्रधीर के पीछे पृथुसेन आता है और वह कहता है कि हे देवी, तुम बौद्ध संघ उसके आश्रय को स्वीकार करो। बौद्ध संघ के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करो। दिव्या पूछती है कि बौद्ध धर्म में नारी का क्या स्थान है। इस पर पृथुसेन नारी का स्थान नहीं बताता, वह बताता है कि बौद्ध धर्म में पुरुष का स्थान निर्वाण है अर्थात मोक्ष है और नारी प्रवृत्ति का मार्ग है अर्थात माया है। दोस्तों, इस उपन्यास पर मार्क्सवादी भौतिकतावादी दर्शन का प्रभाव है। यह भौतिकतावादी विचारधारा यह मानती है कि नारी ना तो भोग्य है, ना त्याज्य है, ना वह माया है, ना वह भोग की वस्तु है, बल्कि नारी तो सृष्टि का आधार है। दिव्या कह उठती है पृथुसेन से, किंतु आर्य, नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है। उसके ठीक पीछे इस उपन्यास का मुख्य पात्र मारिश आता है। यह मारिश वास्तव में यशपाल के विचारों का प्रतिनिधि है। यशपाल की वैचारिकता मारिश के माध्यम से ही उद्घाटित होती है। वह मारिश आकर कहता है, हे देवी, संसार में सुख दुख है। इस सुख दुख और धूल धूसरित पथ पर मैं देवी का हमसाया, हमराही बनना चाहता हूं। हे देवी, मैं आश्रय का आदान प्रदान चाहता हूं। तुम्हें आश्रय देना नहीं चाहता, तुमसे आश्रय लेना भी चाहता हूं। हे देवी, मैं देवी के नारित्व पर अपना पुरुषत्व अर्पित करना चाहता हूं। संतति की परंपरा में देवी को अमरता देना चाहता। यह मारिस कहता है कि नारी का मुख्य धर्म संतान उत्पत्ति, संतति, निर्वाण नहीं, मोक्ष नहीं है। नारी भोग की भी वस्तु नहीं, और याद रखिए, नारी कमजोर भी नहीं, वह पुरुष की आश्रिता भी नहीं। मार्क्सवादी विचारधारा नारी को दाम्पत्य जीवन से जोड़कर देखती है। यदि प्रगतिवादी साहित्य में देखें तो नारी पत्नी के रूप। मारिस इस बात का संकेत देता है कि पुरुष भी कहीं ना कहीं नारी के आगे आश्रित है, इसलिए आश्रय का आदान प्रदान दोनों को चाहिए। और नारी या पुरुष मोक्ष पाकर अमर नहीं हो सकते, बल्कि सृष्टि की चक्रीय प्रक्रिया, संतति की प्रक्रिया से जुड़कर ही अमर हो सकती है। नारी अपनी अनुकृति को जन्म देकर ही अमर हो सकती है। इस उपन्यास में एक संवाद है कि वेश्या का जीवन तोराल मिले तेल में डूबे बाती की तरह है, जो अचानक दीपक तेज लौ तेज प्रकाश दे करके बुझ जाता है, किंतु माता का जीवन टिमटिमाते दीपक की तरह है, जो अपनी ममता से सदियों तक जीवित रहता है। नारी अपनी संतति से, सृष्टि से स्वयं को अमर बना सकती।
मारिस के प्रस्ताव को पाकर दिव्या दोनों हाथ फैला देती है। वह कहती है, आश्रय दो आर्य। यह उपन्यास संकेत देता है, इस उपन्यास की मार्क्सवादी विचारधारा इस तर्क को प्रस्तुत करती है कि कोई भी धर्म या दर्शन जो जीवन के उपयुक्त नहीं हो वह वरेण्य नहीं हो सकता, उसका वर्ण नहीं किया जा सकता। जीवन जीवन के लिए है, जीवन भौतिक है, भौतिक जीवन की इच्छा पूर्ति ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए उपन्यास में कई जगह ऐसे डायलॉग्स हैं, मूर्ख तूने या तेरे स्वामी ने परलोक को देखा है। देवता या परलोक का विधान तो मूर्खों का विधान है, सिर्फ कल्पना पर आधारित है। वास्तविकता यह है कि यह भौतिक जीवन है, इसकी तरल आकांक्षाएं हैं, इसमें ताप है, दाह है। उनको समझकर, प्रेम को, घृणा को, सहानुभूति को समझकर हम इस भौतिक जीवन को सुखद बना सकते हैं, उसे संतोष से भर सकते हैं, जैसे मारिस दिव्या के जीवन को संतोष से भरना चाहता है। काही का मोक्ष? मार्क्सवादी विचारधारा गगन या आकाश तत्व में विश्वास नहीं करती। ऊपर उठा करके, हाथ उठा करके भाग्यवादी विचारधारा नहीं है, जैसे भौतिकतावादी या चार्वाकी दर्शन में भी गगन को नहीं माना गया। बात बात पर आकाश धर्मा विचार नहीं है वहां कि सब ऊपर वाला देखेगा। मार्क्सवादी या भौतिकतावादी विचारधारा यह मानती है कि जीवन की सहज गति है, इस भौतिक जीवन को भौतिक साधनों के साथ ही समझा जा सकता है, उन संसाधनों के प्रयोग से ही हम सुखी रह सकते, ना कि किसी धर्म या दर्शन के थोथे आदर्शों से जुड़कर जीवन को जी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उपन्यास दिव्या की कथा आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, बने रहें, मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।